हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी सूट कट, और सूट कट करने से पहले बनाएंगे शाम का खाना। तो चलिए मेरे साथ देख लेते हैं कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। सबसे पहले बनाऊंगी मैं रोटियाँ, उसके बाद मैं रायता बनाऊंगी। दाल मेरी बन चुकी है फ्रेंड्स, तो बस। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। तो बस अभी हम बनाएंगे रोटियां। दाल तो हमारी बन चुकी है, प्रेशर कुकर में रखी है। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म खाना रेडी हो चुका है बनकर। तो फ्रेंड्स, रोटियां हमारी बन चुकी हैं, बस तीन रोटियां रह गई हैं, तो वो भी बना रही हूं मैं। तो बस गर्मा गर्म रोटियां रेडी हैं। ये रोटियां स्पेशली हैं मम्मी की, तो मम्मी को दांतों का इश्यू है फ्रेंड्स, चबा नहीं पाती है नॉर्मल रोटियां, तो इसमें मैं घी मिक्स कर बनाती हूँ, तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आपके यहाँ पर भी किसी को दांतों का मसला है या दांतों की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो बस आप लोग भी आटे में दो लोहिया, मतलब जो भी उनकी डाइट हो उतना आटा आप लेकर और उसमें घी मिक्स करके बनाए, और बहुत सॉफ्ट हो जाती है फ्रेंड्स, चबाने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो बस इसलिए, तो ये स्पेशली रोटियां मम्मी की हैं। तो मम्मी ने बोला था एक बनाना, पर मैं दो एक्स्ट्रा बना रही हूँ। मम्मी अक्सर ऐसा ही कभी एक कभी दो बोलती हैं, और मैं हमेशा एक या दो एक्स्ट्रा बनाती हूँ। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो मन कर जाए खाने का, तो फिर दिक्कत आएगी मम्मी को। तो बस मैं अपनी साइड से ही एक दो एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। तो मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कहती है कभी भी तू मेरी बात नहीं मानती है, मैं तुझे हमेशा एक या दो बोलती हूँ और तू हमेशा एक एक्स्ट्रा बना के चलती है, क्यों करती है ऐसा? ऐसे मम्मी पूछती रहती है मुझसे। तो बस फ्रेंड्स, आपसे बात करती करती हमारी रोटियां रेडी हैं। मम्मी की रोटियां बनाकर, और यहाँ पर मैं इस तरीके से दबा देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। हमारी चपातियां बनकर पैक हो चुकी हैं, गर्मा गर्म रहेंगी जब हम खाएंगे। तो बस, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने सूट निकाली है कट करने के लिए। अभी मैं इन तीन सूटों को कट करूँगी, कट करती जाऊँगी, सिलती जाऊँगी और साइड करती जाऊँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पर ये तीन सूट निकाल लिए हैं। तो ये सूट है मेरा एक, और मैंने तीन सूट सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने वो सिलेक्ट किए हैं, और जो थोड़े हैवी थे उनको साइड कर दिया है, उन्हें बाद में सिलूँगी लेकिन बाद में सिलूँगी। अभी मैंने ये तीन कट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये वाला निकाला है और एक ये वाला, ये मिला है छोटी दुल्हन के घर से, और ये मुझे मेरी
बाजी ने गिफ्ट किया है। अभी शादी में आई थी तब मैं आप लोगों से मिलवा नहीं पाई, लोगों को थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। और ये मम्मी ने दिया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको रखे हुए, ये मम्मी ने दिया है मुझे, बहुत पहले का रखा हुआ है तो मैंने सोचा अभी से भी सिल लेती हूँ। बहुत प्यारा कलर लग रहा है ये, ये देखिए इसकी चुन्नी दिखाती हूँ मैं और सूट को दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है और स्लीव्स बहुत ही प्यारी हैं इसकी ये, और ये चुन्नी है, ये देखिए ये चुन्नी है इसकी, खोल कर दिखाती हूँ अच्छा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है और पैटर्न भी बहुत प्यारा है, और जो इसकी ये एम्ब्रॉयडरी है फ्रेंड्स वो भी बहुत प्यारी है। तो बस अभी इसे करते हैं, चुन्नियों को अलग करना है हमें कट करने के लिए सूट, तो ये चुन्नियों को अलग करते हैं। और ये जो बाजी ने दिया है ये कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी साइड में कर देते हैं। और चुन्नी कुछ इस तरह की है, ये देखिए पूरी इसमें ये लेस लगी हुई है और छोटी छोटी ये डिज़ाइन है इस पर, बूटियाँ बनी हुई हैं, तो इसे भी साइड में करते हैं। और ये कुछ इस तरह का है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है, इसे यहाँ पर रखते हैं। और सूट कट करने से पहले चुन्नियों को अलग करना होता है तो बस वही कर रही हूँ मैं, और मैंने सोचा साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो चुन्नी इसकी ये वाली है, तो इस सूट की चुन्नी मुझे बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और धागे वर्क में है, इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो धागे वर्क में है, रेशम के धागे में, तो बहुत प्यारी लग रही है। और इसे भी मैं साइड में करूँगी और फाइनली अब हम सूट कट करेंगे। तो ये है इनर वाला, इसको मैं थोड़ा सा बाद में कट करूँगी, पहले मैं बिना इनर वाले कट करूँगी। तो पहले निकालेंगे हम ये वाला और इनको सबको यहाँ साइड में कर देते हैं और इसे अपन ओपन कर लेते हैं। और सूट कट करने के लिए हमें पड़ेगी तीन चीज़ों की ज़रूरत, सीज़र, इंची टेप, और यहाँ पर ये चौक ली है मैंने, दो कलर की ली है, जिस सूट पर जो चलेगी वो चलाऊंगी। और बस इजी है, बहुत इजी है और बहुत कम चीज़ों में हमारा सूट कट होने वाला है। तो इसका बनाऊंगी मैं प्लाज़ो, प्लाज़ो बनाऊंगी, मुझे प्लाज़ो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शलवार ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पजामी भी अच्छी नहीं लगती, ट्राउज़र और प्लाज़ो ही अच्छे लगते हैं, तो बस मैं वही बनाऊंगी, तो मैं प्लाज़ो बनाऊंगी इसका, वही अच्छा लगेगा इस वाले सूट का, तो बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे इस पर प्रेस करनी होगी, तो कर लेते हैं प्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा सिकुड़न है इस पर, ये देखिए कट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले हम इस पर प्रेस करेंगे, तो कर लेते हैं। तो ये देखिए यह हमारी प्रेस गरम हो चुकी है और पहले प्रेस करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स आप लोगों को पता चलने वाला है कि सूट सिलने में कितनी मेहनत लगती है, और सूट कट करने से पहले हमें और भी क्या करना होता है, अगर सूट सिकुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स तो उसको पहले प्रेस करनी होती है, उसके बाद में सूट कट करते हैं। तो बस अभी को हम कर लेते हैं प्रेस। तो ये देखिए फ्रेंड्स प्रेस तो हमारी हो चुकी है, लेकिन मुझे लेना हुआ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे हम, क्योंकि आ चुके हैं हबी, तो वो कह रहे हैं कि पहले खाना रेडी कर लो उसके बाद सूट कट कर लेना। तो हो जाता है फ्रेंड्स कि हम कर कुछ और रहे होते हैं लेकिन बीच में से हमें कोई और काम लग जाते हैं, तो पहले बनाते हैं रायता और उसको बनाकर रख देंगे, तो थोड़ा सा ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, बूंदी को भी फूलने में टाइम लगेगा, तो फिर उस बीच हम सूट कट करेंगे, तब तक वो अच्छे से बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो बस चलिए चलते हैं पहले किचन में, तो रायता बना लेते हैं। और रायता आज बन रहा है स्पेशली मोहम्मद फरहान के लिए, तो फरहान ने बोला था कि मम्मी मेरा रायता खाने का मन है, मैंने बहुत मना किया था क्योंकि मुझे सूट कट करने थे, तो मैं कह रही थी कि नहीं रहने दो फिर कभी बनाएंगे, लेकिन उसका बहुत मन था, वो नहीं माना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं बना लेते हैं, बच्चे हैं, बच्चों कितनी बात तो माननी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स पहले किचन में चलते हैं। आ चुके हैं किचन में अपनी ड्यूटी पर, तो यहाँ मैंने जार में दही ले लिया है, वैसे भी तो मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, आपको पता ही कि मैं रायता किस तरह से बनाती हूँ, तो बस यहाँ पर मैंने जार में दही डाल लिया है और डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आधा टीस्पून काला नमक ये जाएगा
लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून वाइट नमक, ये जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ जीरा, भुना कुटा, कुटा है क्रश किया हुआ, हल्का क्रश है, तो वो जाएगा एक टीस्पून। तो एक टीस्पून चाट मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले से, स्किप कभी भी मत करना, अगर है तो जरूर डालना। आधा टीस्पून होममेड गरम मसाला, रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिए, आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। तो बस ये मिक्सर जी रेडी है और कह रहे हैं कि बस जल्दी से हमसे काम ले लो, तो बस इनसे काम लेने से बहुत इजी और सिंपल हो जाता है और बस घंटों में काम मिनटों में हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से जरूर से करिएगा। चीनी डालना तो मैं भूल ही गई, इसमें चीनी डालना है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मीठा रायता पसंद करते हैं, तो बस चीनी डाल लेते हैं पहले, फिर आगे इसको चलाएंगे। अभी बोल रहे हैं थोड़ा सा पानी तो डालो, तो पानी डालते हैं। तो बस यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक कटोरी पानी और इसे बस अब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यम्मी टेस्टी रायता हमारा बन रहा है। रोके चलाएं। काफी है इतना। बस अभी इसे निकाल देंगे। अब इसमें लगाएंगे तड़का, तड़के वाला रायता है तो इसमें तड़का लगाएंगे। ये भूनती तो इसमें मिक्स हो गई अच्छी तरह से। तो बस दो तीन टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल का तड़का लगाएंगे। तो बस अभी इसे गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। ऑयल को हम रख देते हैं साइड में वरना गिर जाएगा। हींग जीरा राई का तड़का हम लगाने वाले हैं और खड़ी लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी हिंग डाल देंगे, बस ऐसे ही डाल दिया मैंने क्रश में किया है। और तीन खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, घर के फ्लेम को ऑफ करेंगे, बहुत जल्दी से हो जाती है। इसे हम लगाएंगे साइड में, करेंगे इसे करेंगे पास। और फ्रेंड्स अगर पुदीना है आपके पास तो पुदीना जरूर डालें, पुदीने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और पौधे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये पीछे से फरान मुझसे कुछ बोलने लगा है तो बस मैं इसे देखने लगी थी हैरानी वाली नजरों से। तो बस अभी इसे डाल देते हैं तड़के को, इसको हम डालेंगे और तुरंत
ढकेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा इसके अंदर आए। बस 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए इसको ढका रहने देंगे और फिर इसमें से थोड़ा सा रायता लेकर इसमें घुमा कर बस इसमें डाल देंगे। सिंपल। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो कह रही थी ना आपसे, फरहान मुझसे कुछ कह रहा था, तो फरहान कह रहा था अगर पुदीना चाहिए था मम्मी तो आपने मुझसे बोला कि नहीं अपने गार्डन में बहुत सारा लगा है। मुझे याद ही नहीं था कि हमारे गार्डन में पुदीना लगा है। देखिए कितनी बड़ी मुलक्कड़ हूँ, ये तब भूल गई। तो बस अभी इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अभी शाम है तो शाम के वक्त पुदीना नहीं तोड़ेंगे, तो बस अभी धनिया पत्ती से काम चला लेंगे। कोई नहीं, थोड़ा सा कम जायके वाला खा लेंगे। गार्निशिंग खूबसूरत। पता ही आपको मेरी रेसिपी में, मैं अक्सर बोलती हूँ कि मुझे खूबसूरत चीजें बेहद पसंद है। तो देखिए फाइनल लुक हमारे रायते का, यमी टेस्टी। मन कर रहा है ना आपका खाने का, तो बस जाइए अपने किचन में और फटाफट से बना लीजिए। अगर दही नहीं है और बूंदी नहीं है तो मार्केट से मंगा लीजिए, बहुत जल्दी से और बहुत इजीली मिल जाती है। तो ये देखिए हमारा रायता, आ जाइए जल्दी से खाने के लिए। तो बस अभी रेडी है, एक बार मिक्स करेंगे। डन हो गया हमारा रायता, बनकर तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिनर हमारा लग चुका है, सब कुछ रेडी है। आ जाइए आप लोग भी डिनर के लिए, मम्मी भी रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं सभी लोग, और यहाँ ये मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो बस देखिए पास से दिखाती हूँ मैं हमारा डिनर। यहाँ सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं कि मैं आ जाऊं तभी सब स्टार्ट करेंगे। तो बस अभी यहाँ पर मैं भी आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम हमारे काम पर वापस, सूट कटिंग पे। तो मैं अभी यहाँ पर, मैंने इसको सही एक सा करके रख लिया है, और जब यहाँ पर मैं इसकी ये लेंथ ले रही हूँ, 43 लेंथ ली है मैंने, और बस इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे पहले, जो ये एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स, इसको हम साइड में रखेंगे और इसे हम सीधा करेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो।
तो यहाँ मैं घेर वाला प्लाज़ो बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने नीचे से अच्छे से घेर ले लिया है। और ये बिना लास्टिक वाला है, नाड़े वाला है, इसमें ऊपर हम नाड़ा डालेंगे। तो बस कितना सिंपल है, कितना इजी है देख सकते हैं आप लोग। बस ये कट चुका है और सिलने में भी 15 से 20 मिनट लगते हैं बस, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसको सिलने में। बहुत जल्दी सिल जाता है क्योंकि बहुत सिंपल कटिंग है और बहुत सिंपल ही इसको सिलना होता है। तो ये हो गया हमारा, अब हम कुर्ती कट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्लिप फ्रेंड्स अटैच है, इसे मैं अलग कर रही हूँ। और देखिए कितना सुकड़ा हुआ है, इसे भी मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। तो बस प्रेस करेंगे हम, पहले अलग कर देते हैं इनके सारे पार्टों को। ये जॉइंट किए हुए हैं, तो जॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, तो कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सबको अलग कर लूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सिलाई किससे सीखी है, तो फ्रेंड्स सिलाई मुझे सिखाई है रीता दीदी ने, बहुत अच्छी हैं वो। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। तो ये साइड में हो गया है और अभी प्रेस भी हमारी गर्म हो चुकी है, तो बस हाँ। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि मुझे ये सिलाई सिखाई है रीता दीदी ने, बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल बहन की तरह मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं उन्हें दीदी बोलती थी तो वो बस प्रेस प्रेस गर्म भी नहीं है और चालू भी नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी प्रेस गर्म हो चुकी है। बस कुछ मत पूछो फ्रेंड्स, मेरे कामों का तो ऐसे ही बैंड बजती है। हाँ तो फ्रेंड्स रीता दीदी के बारे में हमारी बात चल रही थी, तो रीता दीदी यहीं पास में ही रहती हैं। बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे, और मुझे हर चीज़ सिखाने में भी, कई रेसिपियाँ भी उन्होंने मुझे सिखाई हैं। मठे के आलू मैंने बताया था जब मैंने उसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर की थी आप लोगों के साथ, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मठे के आलू मुझे उन्होंने ही बनाना सिखाए थे। और एक जो दम आलू बनते हैं वो भी उन्होंने मुझे सिखाए थे। बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं, जब जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बताऊँगी उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया है। और इतना सपोर्ट, और हमेशा मुझसे यही कहती थी कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, रुक के नहीं रहना चाहिए, और जब हमें कुछ आता है तो हमें कुछ करना चाहिए, यही वो मुझसे कहती थी हमेशा। और जब मैंने चैनल बनाया था उन्होंने मेरी वीडियोस देखे तो बहुत खुश हुई थी फ्रेंड्स, बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे कॉल किया था और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उन्होंने मुझे कि बस बहुत अच्छा किया तूने, मैं अक्सर तुझे बोलती थी कि कुछ कर कुछ कर, और तूने किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने यही बोला था मुझसे। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उन्होंने मुझे, तो तहे दिल से, वो मेरी वीडियोज़ देखती हैं, तहे दिल से उनको शुक्रिया, थैंक यू दीदी कि आपके सपोर्ट की वजह से और जो आप मोटिवेट करते हो उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो जब कोई सपोर्ट करता है तो अंदर से एक जज्बा, एक हिम्मत आती है आगे बढ़ने के लिए, हम सोचते हैं कि हाँ हमें वाकई कुछ करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ों से नवाजा है तो बस हमें क्यों ना कर लेना चाहिए वो काम। तो ये था मेरी दीदी के लिए, बस यही है फ्रेंड्स कि मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाती हूँ, ना तो मैं उनके घर जा पाती हूँ, ना उन्हें कॉल कर पाती हूँ, और उन्हें नहीं, मैं किसी को भी कॉल नहीं कर पाती हूँ। ये मेरा बहुत वीक पॉइंट है मेरे अंदर, जो मैं कभी किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ। बात करते करते प्रेस हो गई है, अभी कट कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी ये रह गई, स्लिप रह गई, सामने की चीज़ें दिमाग से निकल रही हैं, बताइए आप।
तो यहाँ पर हमारा सूट कट कर रेडी है और इसी तरह से हम सारे सूट कट कर लेंगे। तो कर लेते हैं और मिलते हैं कट करने के बाद। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सूट कट हो चुके हैं। तीनों सूट मैंने काट लिए हैं और इनर वाले सूट का पहले इनर काटना होता है, फिर उसे कच्चा करना है, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये हमारा सूट कट हो चुका है और अभी मैं इन सूटों को करूँगी साइड में, सिलाई नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैं किस तरह से सिलूंगी, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ज़रूर से देखिएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी एक नए फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।